चलो अभी शुरू करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है और लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। क्या क्या हुआ? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एक बड़ी सेट डेफिनेशन है इसकी, रटी रटाई डेफिनेशन है बेटा। वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी की जो प्रॉपर सेट डेफिनेशन है, दैट इज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। याद है क्या बचपन का? हाँ बड़ा याद होगा तुम्हें बचपन का, अभी का तो याद नहीं रहता है तुमको। यस मैम, कौन बोला था जोश में? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग का मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है। क्यों कंबाइन करता है? क्योंकि वो अकेला स्टेबल नहीं है। सिर्फ इनर्ट गैसेस को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट का एक एक एटम स्टेबल नहीं है, तो उसको किसी और की ज़रूरत है, इसलिए वो दूसरे से क्या करता है? कंबाइन करता है। अब कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? या तो वो अपने ही एटम से कंबाइन कर ले, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना लेता है, या फिर वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर ले, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेता है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। तो वो कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी कर सकता है, पर जब भी कंबाइन कर रहा है तो कैसे एटम्स कैसे कंबाइन करेंगे? बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। एटम्स का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? वो आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ बॉन्ड? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या? आप कह रहे हो मैं विज्ञान नगर में रहता हूं। अरे मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज अ बॉन्ड, कह रहे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। मैं ये नहीं पूछ रही कि व्हाई इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड, आई एम आस्किंग व्हाट इज अ बॉन्ड। एक वर्ड है, एक एक टर्म है, बॉन्ड। तुम्हारे मेरे बीच में बॉन्ड है, आंट वी बॉन्डेड? वी आर नॉट बॉन्डेड। ए भगवान, बर्बाद कर दी मेरा तो क्या, वो कंगना का डायलॉग है ना, जीवन बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने कहकर। व्हाट इज अ बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंबाइन कैसे करेंगे? अट्रैक्ट होंगे ना, जब एटम्स अट्रैक्ट होंगे तभी तो वो आपस में रह पाएंगे। कंबाइन करने का मतलब क्या है? कंबाइन करने का मतलब ऐसे थोड़ना है कि वो चिपक जाएंगे, ये थोड़ना है। कंबाइन करने का मतलब दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। एग्जिस्ट टुगेदर कैसे करेंगे? अगर मैं तुमको पसंद नहीं करती, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या साथ में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एक दूसरे को पसंद करेंगे तभी साथ में रह पाएंगे। पसंद करना इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जो आप बोल रहे हो ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किसी भी रीजन से हो सकता है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डेवलप हो, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से डेवलप हो। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कर दिया, मैं पॉजिटिव आयन बन गई, आप नेगेटिव आयन बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो बन किसी भी रीजन किसी भी तरीके से हो सकता है, और रीजन उसका स्टेबिलिटी होता है। पर बॉन्ड इज व्हाट, अगर कोई पूछे तो बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का। अब एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको अपन वैलेंस शेल बोलते हैं। तो किसी भी एटम में जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन सारी बातों को अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाना, ये तो बुकिश डेफिनेशन है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कंबाइन कैसे कर रहा है? बॉन्ड बनाकर कर रहा है ना। तो किसी भी एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, वो नंबर उसकी वैलेंसी होता है। अगर कोई एटम है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस, वो बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी कितनी है? जीरो, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा। अगर कोई एटम एक बॉन्ड बना लेता है तो हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी वन है। दो बना लेता है, हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी टू है। तो वैलेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। जब वो दूसरा एटम से कंबाइन कर रहा है तो वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो नंबर उसकी क्या होती है? वैलेंसी।
क्या है, समझ में आ रहा है? अब वो बॉन्ड्स किससे बना रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना रहा है। तो जब आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का क्या रिलेशन है, शायद आपको ये देखकर याद आ जाए। वैलेंसी इज इक्वल टू, अच्छा किसी भी वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये बात आपको पता है? किसी भी वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है? तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1 or 2 or 3। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वैलेंसी 1, अगर दो प्रेजेंट है तो वैलेंसी 2, अगर तीन प्रेजेंट है तो वैलेंसी 3। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही क्या हो जाएगी वैलेंसी, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1, 2 या 3, ठीक है? ये तो एक पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कब, व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4 to 8। अगर 4 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आप वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करोगे तो वैलेंसी आ जाएगी, ठीक? छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो तो 2, 8, 1, हाँ लास्ट में क्या आ रहा है 3s1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वाली कैटेगरी आ गई। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है? सपोज आपने बोला मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2, 8, 2, लास्ट में कितने आ रहे हैं, वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2, ठीक? फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इसमें आता है 3s2, 3p1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, 2, 8, 3, राइट? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है? और एग्जांपल लेते हैं, चलो सपोज कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, अगर सिंपल लिखेंगे तो 2, 4 हो जाएगा, वैसे लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p2 हो जाएगा, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप 8 माइनस 4 करके इसकी वैलेंसी निकाल दोगे। सपोज नाइट्रोजन कितना है 2, 5, 2p3 हो गया ना, 2s2, 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैलेंसी 3। तो अगर 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 में से आपको माइनस करके वैलेंसी निकालनी, ठीक है? सपोज ऑक्सीजन 2, 6, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 2, दो बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन, है ना? फ्लोरीन 2, 7, 8 माइनस 7 करोगे कितनी वैलेंसी आ जाएगी 1। फिर आगे आपका नियॉन 2, 8, 8 माइनस 8 करोगे वैलेंसी कितनी आ जाएगी 0, ये बॉन्ड ही नहीं बनाता। आ रहा है समझ में वैलेंसी का मतलब? और हमने 8 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि 8 ही करने उसको आउटरमोस्ट में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो जितनी कमी है उतना ही तो वो करेगा। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या कोशिश करेगा, मैं 2 कहीं से ले लूं, तो 2 ही बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी 2 निकलेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर? अब इसका ट्रेंड देखते हैं वैलेंसी का, ठीक है? ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो वैलेंसी को क्या हो रहा है, ठीक है? तो जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलोगे तो जो वैलेंसी है
वो 1 से इंक्रीज होती है 4 तक और फिर 4 से डिक्रीज होती है 0 तक. ये ट्रेंड होता है. 1 से इंक्रीज होगी 4 तक और फिर 4 से इंक्रीज होगी, मतलब 1 से इंक्रीज होगी 4 तक, फिर 4 से डिक्रीज हो जाएगी 0 तक. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का. सेकंड पीरियड लिखो फटाफट. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका हो जाएगा 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया पूरा, मतलब तो कॉन्फ़िगरेशन आ गए ना आपको. तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s1, 2s1, 2s2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 and 2s2, 2p6. ठीक है, अब इसकी वैलेंसी निकालें तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं. नहीं, इतनी परेशान क्यों? अगर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 या 3 वैलेंसी हो जाएगी. यहां से आपको 8 में से माइनस करना है तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 7, 8 माइनस 8. तो अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, वैलेंसी पहले 1, 2, 4 इंक्रीज हो रही है और फिर 0 तक डिक्रीज हो रही है. क्या ये समझ में आ गया? वैलेंसी का ही एक और टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर. पढ़ा हुआ है ना, वैलेंसी से मिलता जुलता है ऑक्सीडेशन नंबर. रिडॉक्स पढ़ा हुआ है ना तुमने? बोला था तुमने मुझे रिडॉक्स पढ़ा हुआ है हमने. अच्छा, आप कभी कभी क्या करते हैं, आपसे किसी के रिस्पेक्ट में वैलेंसी पूछ लेते हैं. जैसे इसमें ही पूछ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे. तो अगर हाइड्रोजन का कंपाउंड लिथियम से देखे तो क्या बनता है, LiH. बेरिलियम का BeH2. बोरॉन का क्या बनेगा, BH3. कार्बन का क्या बनेगा, CH4. नाइट्रोजन का क्या बनेगा, NH3. ऑक्सीजन का H2O, HF. और नियॉन का बनेगा ही नहीं. हाइड्रोजन की खुद की वैलेंसी कितनी होती है, 1. तो अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो तो देखो इसकी वैलेंसी 1 है. इसने एक बॉन्ड बनाया है किसके साथ, लिथियम के एक एटम के साथ, यानी लिथियम की भी वैलेंसी कितनी है, 1. यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूं कि बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ. हर एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो बेरिलियम ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, 2. ऐसे यहां पर देखोगे तो 3, 4, 3, 2, 1 एंड 0. सो जो नॉर्मल ट्रेंड है वैलेंसी का पीरियड में, वही हाइड्रोजन के साथ भी ट्रेंड है. 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 0 तक डिक्रीज हो रही है. ठीक, आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और यहां बेटर टर्म होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, है ना. देखो अब ये वाले पीरियड का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें खुद में ऑक्सीजन आ रहा है तो उसका कोई कंपाउंड तो मॉलिक्यूल बनेगा बट कंपाउंड नहीं बन पाएगा. तो अपन थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं. कहां से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ठीक है, क्या कंपाउंड बनता है सोडियम का, Na2O. ठीक है, मैग्नीशियम का MgO, एल्यूमिनियम का Al2O3, सिलिकन का SiO2, फॉस्फोरस का PO4, फॉस्फोरस का P2O5, सल्फर का SO3, क्लोरीन का Cl2O7 और आर्गन का बनेगा ही नहीं.
कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, जो ट्रेंड में बताना चाह रही हूँ वो लिख लेना, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। हर एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। यहां पर ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड किसके साथ बना रखे हैं, 2 सोडियम के साथ, तभी तो फॉर्मूला क्या बना, Na2O। यानी हर एक सोडियम ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1। ऑक्सीजन तो टोटल 2 बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए उसने 2 सोडियम यूज करे, यानी हर एक सोडियम ने कितने बॉन्ड बनाए, 1। ऐसे देखते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1, इसकी आ जाएगी 2, इसकी 3, 4, 5, 6, 7 एंड 0। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 1 से लेकर 7 तक इंक्रीज हो रही है और फिर 0 हो रही, ठीक है। अगर ये नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ इस चीज को याद रख लो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही है, 0 तक कम हो रही है, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 से 7 तक इंक्रीज होगी, और लास्ट में नोबल गैस में तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ केस आते हैं वेरिएबल वैलेंसी के, जैसे कुछ एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। टिन, टिन की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है। लेड, 2 भी होती है, 4 भी होती है। इनके रीजंस हैं, वो अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के, हाँ कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो वैलेंसी है वो वेरिएबल हो जाती है, 1 से ज़्यादा हो जाती है। अलग अलग रीजंस है, किसी के डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए हो जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है, ठीक है, तो वो अपन बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तो ये वाला पॉइंट अपन छोड़ देते हैं अभी, ठीक। वैलेंसी क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका ट्रेंड क्या है पीरियड में। अब बात करते हैं ग्रुप की, और ग्रुप तो बहुत सिंपल है, डाउन द ग्रुप, ट्रेंड डाउन अ ग्रुप, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जाने में वैलेंसी को क्या होगा, सेम रहेगी ना, तभी तो प्रॉपर्टी सेम आएंगी, सिमिलर आएंगी, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, कहां से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, है ना। हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 1s2, 2s1, सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटेशियम का आ जाएगा 4s1, रुबीडियम का आ जाएगा 5s1, सीजियम का 6s1 और फ्रांशियम का 7s1। हमें तो आउटरमोस्ट ही देखना है ना, तो सबके आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। सबके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, इसलिए इन सबकी वैलेंसी भी सेम होगी, के वैलेंसी सबकी कितनी आ रही है, 1। और क्योंकि वैलेंसी पर ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज कैसी आती है, सिमिलर। हाइड्रोजन को छोड़ दो, वो एक अलग केस है, बाकी प्रॉपर्टीज क्या आती है सबकी, सिमिलर। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड वैलेंसी इज ऑल्सो सेम, ये सारे ग्रुप्स के लिए वैलिड है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। फिर ये चैप्टर खत्म है। बहुत गर्मी है इस क्लास में।
अरे वो भी बेचारा क्या करेगा, नीचे सिर झुका के खड़ा हुआ है। नजरें नहीं मिला पा रहा वो मुझसे। चलो लास्ट लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड तो समझते हो, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, ठीक है। आप देखो जो एलिमेंट्स होते हैं अपने, वो अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं इनके ऑपोजिट नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी हैं पर ज्यादातर जिनकी अपन बात करते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल ने बनाया ऑक्साइड, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। भाई किसी मेटल ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, कंपाउंड बना लिया, मेटल ऑक्साइड बन गया। नॉन मेटल ने बनाया, क्या हो गया वो, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक। अब किसी भी सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस हो, ऑक्साइड हो, कार्बोनेट हो, हाइड्राइड हो, कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी सब्सटेंस है, उसके चार नेचर, चार में से कोई एक नेचर हो सकता है। कौन कौन सा? या तो वो एसिडिक हो सकता है, या वो बेसिक हो सकता है, या वो कुछ भी नहीं हो सकता, ना एसिड ना बेस, यानी न्यूट्रल, या वो दोनों हो सकता है, यानी एम्फोटेरिक, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस के इन चार में से कोई एक नेचर होता है, या तो वो एसिडिक होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, या वो बेसिक होता है, बेस की तरह बिहेव करता है, या वो दोनों की तरह ही नहीं बिहेव करता तो हम बोलते हैं वो न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस, या वो दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो हम बोलते हैं वो कैसा है, एम्फोटेरिक, है ना। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादातर जनरली जनरली क्या होते हैं, बेसिक, जनरली होते हैं बेसिक, ठीक है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली, ये इनके ऑपोजिट हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में ऑपोजिट हैं, तो ये जनरली अगर बेसिक हैं तो वो जनरली क्या हो जाएंगे, एसिडिक। इनमें से कुछ, फ्यू ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एम्फोटेरिक। और इनमें से कुछ, फ्यू ऑफ देम, एम्फोटेरिक का उल्टा क्या हो जाएगा, जो दोनों की तरह बिहेव ना करे, यानी न्यूट्रल। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स ज्यादातर बेसिक, कुछ एम्फोटेरिक। नॉन मेटल ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक, कुछ न्यूट्रल। अब अगर किसी को एम्फोटेरिक का मतलब नहीं पता तो लिख लेना, एम्फोटेरिक मतलब इट बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस। और न्यूट्रल का मतलब ना एसिड ना बेस। क्या ये समझ में आ रहा है? अब बेसिक ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स भी बहुत सारे हैं, तो उनके तो कुछ कुछ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। लेकिन एम्फोटेरिक, जो मेजर एम्फोटेरिक हैं वो पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, और जो न्यूट्रल है उस पर भी क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बेसिक के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, बेसिक ऑक्साइड, कोई एग्जाम्पल बेसिक ऑक्साइड का, जैसे Na2O। कैसे पता लगाओगे ये बेसिक है? वो तो ठीक है, वैसे कैसे पता लगाओगे? इसका रिएक्शन करवाओ, इसका रिएक्शन सोचो वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ही बनाता है NaOH, है ना, और OH वाली चीजें क्या है, बेस। K2O ये बनाता है KOH, बेस। CaO, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस। आ रहा है समझ में? MgO, MgOH होल ट्वाइस, बेस। आ रहा है समझ में? ठीक है।
कुछ एसिडिक की एग्जांपल लिखते हैं, CO2 बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसको खोलते तो कैसे आवाज आती है, बबल्स उठते हैं ना, फिजीनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ जो उसमें कार्बोनिक एसिड है वो क्या रिलीज करती है, CO2। तो जो उसका टैंगी टेस्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से। वो एक अलग सा तीखा सा टेस्ट होता है ना, फिर आप उसको थोड़ी देर खोल के रख देते हो तो आप बोलते हैं अरे तो मीठी हो गई है ना, वो टेस्ट नहीं रहा, वो मज़ा नहीं रहा, क्योंकि उसकी बेचारी की सारी CO2 तो निकल गई। मज़ा देने वाली तो यही है ना। तो ये एसिड बनाती है H2CO3 और SO2, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, NO2 नाइट्रिक एसिड बनता है, P2O5 फॉस्फोरिक एसिड बनता है। तो ये सारे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। एम्फोटेरिक की ट्रिक मैं आपको बता रही हूं, उसके थ्रू आप याद कर सकते हो। एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रही हूं, आते हैं किसी को, ट्रिक आती है क्या है, हाँ तो बताओ ना। चलो मैं बताती हूं, सुनो, सुन रहे हो क्या, सुनो, अभी मैं ट्रिक लिखवा दूंगी तुमको। जनाबे, ज ना और बे, तो ज ना बे, सुनो जनाबे आली, Al2O3, सुनो जनाबे आली वे, V2O5 वेनेडियम का, सुनो जनाबे आली वे, सब सब पंजाबी, पंजाबी, आई एम ऑल्सो पंजाबी, पंजाबी सब पंजाबी है, हाँ मस्ती में, मस्ती में गाते हैं सब पंजाबी, मस्ती में ऐश करते हैं, ऐश करते हैं। GE को मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, पर आप चाहो तो यही लिख सकते हो, गाना गाते हैं कर दो, मस्ती में गाना गाते हैं, हैं? तेरे में डिस्टर्ब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होने दे, इसमें क्या है? वैसे जी हाँ 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 ठीक है। तो सुनो, ट्रिक लिख रही हूं मैं, लिख लो, सुनो से दो आएंगे, जनाबे के लिए पूरा आएगा ये अलग और ये अलग, ठीक है। आली, आली लिखो, अली लिखो, तुम्हारी मर्जी है। वे, सब पंजाबी, मस्ती में गाते हैं, इज जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब है ना, गाते हैं ऐश, ऐश ऐश नहीं ऐश करते हैं, ये सारे क्या हो गए,
एम्फोटेरिक, ठीक है, न्यूट्रल गिनती में सिर्फ 5 है, उसको अपन एज इट इज लर्न कर लेते हैं, जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, CO, NO, N2O, H2O एंड OF2, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, CONO, N2OH2 एंड OF2. इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, है ना? क्लियर? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. अब इसका छोटा सा ट्रेंड लिख लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे. अक्रॉस अ पीरियड क्या इंक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस? हाँ, तो एसिडिक बेसिक वो तो बोलो ना. अक्रॉस अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो सोचिए, बताओ लेफ्ट में क्या है? मेटल्स. बेटा लेफ्ट में मेटल्स हैं, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक. फिर बीच में थोड़ा 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 नेचर चेंज होकर कहाँ तक जा रहा है? एसिडिक तक. तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है? तो अक्रॉस अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप इसका उल्टा कर दो. डाउन अ ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ेगा, है ना? बेसिक नेचर डिक्रीजेस. बस इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितनी जरूरत है अभी के लिए उतना मैंने आपको पढ़ा दिया. बाकी जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, तो उसमें तो सब कुछ हमें पढ़ना ही है. उनके ऑक्साइड का नेचर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, वो सब तो अपन पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना काफी, ठीक है? यहां पर इस चैप्टर को हम देते हैं पूर्ण विराम. बेसिक नेचर इंक्रीजेस, सॉरी, बेसिक नेचर इंक्रीजेस. हाँ, मेटल्स के केस में होगा ऑब्वियसली, पूछा भी ज्यादातर आपसे मेटल्स के केस में ज्यादा. बाकी तो एज आई सेड अपन ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, तो हर ग्रुप में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है प्रॉपर्टी का वो पढ़ेंगे, ठीक है? अब पीरियोडिक टेबल लर्न हो गई है तुमको, क्योंकि कल मेरे पास दो बच्चे आए थे, कह रहे थे एफ ब्लॉक लर्न नहीं हो पा रहा हमसे. तो मैं अपनी ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने बना रखी है, ताकि अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप उससे लर्न कर पाओगे. हाँ हाँ, टेबल तो बेटा पूरी ही लर्न होनी चाहिए. उससे क्या है, आपको आसानी हो जाएगी, आंसर निकालने में टाइम कम लगेगा. जैसे एक क्वेश्चन किया था ना अपन ने, पोजीशन फाइंड आउट करने का, याद है? एटॉमिक नंबर 42 वाला. तो वो अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत आसानी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसका आंसर निकाल लोगे, वरना फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी. फिर उसका पूरा कॉन्फिग्रेशन लिखोगे, उसमें टाइम लगेगा, दिमाग भी खराब होगा. तो इसलिए टेबल याद है तो बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर पाओगे और एक्यूरेटली कर पाओगे, ठीक है? तो ग्रुप वन याद है, उसकी ट्रिक है आपके पास, या मैं पूरी टेबल की ट्रिक बताऊं? है वो तो खैर सबकी कॉमन होती है, हेलिना की रब से फरियाद फर्स्ट की, जहां जहां नहीं पता हो वहां वहां बता देना. फर्स्ट ग्रुप की क्या है? हेलिना की रब से, हेलीना की रब से फरियाद. अगर किसी को नहीं पता हो बता देना, मैं हिंदी में लिख दूंगी. ये हो गया अपना ग्रुप वन. ग्रुप टू, बेटा मांगे. तुम तो राजी बोलते हो, मैं तो बोलती हूँ बेचारा बाप रोएगा, है ना? तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए है. कार भी मांग रहे है, स्कूटर भी मांग रहे है, कल को पता नहीं क्या क्या मांगेगा. तो बेटा मांगे
कार, स्कूटर, बाप, चलो तो मार्ले कर देते हैं, राजी। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रुप वन, ग्रुप टू यानी एस ब्लॉक। फिर आते हैं अपन पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है? 13 से शुरू हो रहा है। 13 क्या आएगा? इन थैला, तो वो नायोनियम कहाँ गया तुम्हारा नया वाला? अच्छा, वो याद है, ठीक है। वैसे मैंने बना रखा था भारत के ऑल गेले, गेले बोलो, गधे बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, इंडिया में तेल निकालें और क्या करेंगे, तेल ही निकालेंगे। हाँ, वो आपकी जो भी है, ठीक है। 14 कार्बन वाली है, अच्छा, और नीचे, हाँ याद तो था, नहीं FL, ठीक है। मैंने बना रखा था कास्टिंग। हमारे टाइम पर एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, सिमी गेरेवाल, तुम्हें नहीं पता ना, इसलिए वो तो मैंने तबका बना रखा था। और एक होता है अपना प्रभु देवा, है ना, तो मैंने बनाया हुआ था कास्टिंग, सिमी गेरेवाल संग प्रभु देवा इन अ फिल्म। मैंने तो यहां तक बनाया था, अभी ये नया डिस्कवर हुआ तो मेरा आराम से बैठ गया उसमें, फिल्म कर दिया मैंने इसको। चलो 15 अच्छा, बहुत बढ़िया। और नीचे मॉस्कोवियम, MC मॉस्कोवियम, ठीक है। 16 ओ स्टाइल्स, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो हमारे टाइम से चलता आ रहा है, ओ स्टाइल से टीपो। अब LV आ गया तो टीप के लिखो, कर दो उसको, LV जो है लिवर मोरियम, उसको भी ऐड करने के लिए टीप के लिख दो, ऐसा कर दो। तो ओ स्टाइल से, और बात भी सही है, टीपना तो स्टाइल से ही पड़ता है ना, ओ स्टाइल से टीप के लिखो, एक्सटेंड कर दो उसको। अच्छा 17 ठीक है, नीचे क्या है? टेनेसीन, है ना। कोशिश करो जो तुमने सेंटेंस बना रखा है उसमें एक आध वर्ड और ऐड करके इनको भी ट्रिक में कर लो, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका 18 हाँ, और नीचे ऑर्गेनिसम, ये तो याद है आपको। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक याद है, कहां से शुरू होगा? और फोर्थ पीरियड से ना, थर्ड ग्रुप और फोर्थ पीरियड, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो ध्यान रखना, या मैं अलग से ही लिख देती हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा। डी सीरीज को कोशिश करो वर्टिकली भी याद हो तुम्हें और हॉरिजॉन्टली भी याद हो, दोनों तरीके से याद हो, ठीक है। अगर एक बार वर्टिकली याद हो गई है तो आप उसको हॉरिजॉन्टली याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप से कहां तक चलेगा? 12 तक। क्या आएगा? ऐसे लर्न किया है, मतलब एलिमेंट के नाम से लर्न किया है, इसका मैंने बनाया था स्कूटी, स्कूटी होती है ना, स्कूटी, स्कूटी पे वी, वी कैरी मन, तुम लोगों के लिए, लड़के लोग के लिए, तुम नहीं, लड़के लोग के लिए, ये सब अपना दिल स्कूटी पे लेके चलते हैं, ठीक है। स्कूटी पे वी कैरी मन, और जो मिलता है क्या करते हैं? फेंकते हैं उसकी तरफ दिल, क्या पता कहाँ चांस लग जाए, फेंको नी कुर्बान जाऊं, जिसने पकड़ लिया उस पर कुर्बान हो जाते हैं। तो स्कूटी पे वी कैरी मन, फेंको नी कुर्बान जाऊं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है
ये वाला ज्यादा इजी रहता है, पता नहीं मैंने या तो शुरुआत से ऐसे लर्न किया तो मुझे ये वाले मेरे सेंटेंस बने हुए हैं ना इसलिए। हाँ अब ये दो दोस्त की कहानी है, ये दो दोस्त की कहानी है। एक दोस्त बोल रहा है यार आज तू मतलब आज तो कुछ और अपन कर नहीं सकते, तू मुझे ना नींबू पानी पिला दे, और इतने मन से पिला दे कि मुझे तेरा नींबू पानी भी चढ़ जाए। ठीक है तो यार जरा नींबू पानी मुझे मुझे मोए मतलब पंजाबी मोए बोलते हैं हम लोग, यार जरा नींबू पानी मोए तारूरा मतलब पूरे रूह से पूरे मन से पूरे दिल से पिला दे आज चढ़ा दे। ठीक है तो यार जरा नींबू पानी मोए तारूरा पिला दे आज चढ़ा दे, नींबू पानी चढ़ा दे तू, कुछ और तो मिल नहीं रहा हमको। ठीक है चलो फिर क्या होता है। याद है नहीं याद है, ला हफ्ता वे री ओ, लड़की से लड़का हफ्ता मांग रहा है और लड़की थोड़ी सी कैसी है एटीट्यूड वाली, एटीट्यूड वाले को बोला है इरपट। ठीक है ला हफ्ता वे री ओ इरपट सोन परी, सोन इज गोल्ड परी, ला हफ्ता वे री ओ इरपट सोन परी। फिर क्या आता है, हाँ क्या आता है, एक्टिनियम से शुरू होगा ना, डीबी हाँ एसजी ये मुझे somehow ऐसे ही याद हो गया था तो मैंने इसके लिए कोई सेंटेंस बनाया नहीं, ये मुझे ऐसे ही याद हो गया था। अब बात आती है तुम्हारे एफ ब्लॉक की जो तुम्हें याद नहीं हो रहा, वो लिखना चाहो तो लिख लो। 4F सीरीज है यानी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, है ना लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो हाँ मैंने तो ये बना रखा है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, किसी को प्यार हो गया है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गुदगुदाई। अब आपको प्रेम हो गया है थोड़ी गुदगुदी तो होती है ना, मतलब है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यू गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यू ही लुट गए, इतना प्यार हो गया कि तुम पर यूं ही लुट गए। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई तब दिल होया अरे तुम पर यूं ही लुट गए। ठीक है चलो आगे क्या आता है, 5F 5F कहां से शुरू होगा, थोरियम, तांगे पर, तांगा होता है ना घोड़ा गाड़ी है ना, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, तांगे पर उन पर नजर पड़ी और नजर पड़ती क्या हुआ, आसमां सिमटा बिजली चमकी। ठीक है आसमां सिमटा बिजली चमकी लेकिन क्या हुआ, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, किसी और के साथ निकल ली। ठीक है एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, लिख दूं, अच्छा चलो ये था सीने पर, सीने पर नदियां हाँ कैमरे से बाहर है वो, यहां लिखूं चलो किसके लिए लिख रहे हैं, पहले लैंथेनाइड्स
कहाँ आएंगे लैंथेनाइड्स? लैंथेनाइड्स आएंगे सिक्स्थ पीरियड में और थर्ड ग्रुप में, ठीक है? क्या फिल हो रहा है इसमें? 4F फिल हो रहा है इसमें, ठीक? तो क्या आ जाएगा? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, यूं गुदगुदाई, तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लुट गए। क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? सीने पर नदिया प्रेम की, प्रेम की एक साथ, ठीक है, समाई, यूं गुदगुदाई। गैडोलिनियम का ना बहुत बार कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं तुमसे, हाँ 4F7 है ना, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही, तुम पर एक साथ आएगा यूं ही लुट गए। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका? एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स का आ रहे हैं सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड और थर्ड ग्रुप। क्या फेल हो रहा है? 5F सीरीज। क्या है इसका सेंटेंस? थोड़ा नहीं, तांगे पर। तांगे पर क्या हुआ था उस बेचारे के साथ? उन पर नजर पड़ी, है ना, उन पर उन पर नजर पड़ी, फिर नजर पड़ते ही क्या हुआ? आसमां सिमट गया बेचारे में, ऐसा लगा पूरी दुनिया समा गई हो, है ना, आसमां सिमटा। हाँ, अब ऐसा तो होता ही है ना भाई, तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे तो पता नहीं है, तुम्हें पता होगा। आसमां सिमटा, बिजली चमकी, CF आएगा ना, चमकी, ठीक है, हाँ देखो इसको कैसे याद हो गया, एकदम बढ़िया, बिजली चमकी। पर जैसा कि अक्सर होता है, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। कैसी निकली लड़की? मनचली, मनचली निकली लड़की। क्यों लड़को, ऐसे ही होता है ना? यस मैम, शर्म नहीं आ रही, एक लड़की खड़ी हुई है यहां पर। क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे? तांगा इज थोरियम, तांगे पर उन पर नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। ठीक है, है? अच्छा, इसको लड़का कर दे। तांगे पर उन पर नजर पड़ी, एक्चुअली क्या ये आसमां सिमटा बिजली चमकी वाली जो इमोशंस है ना, ये लड़कों पर ज्यादा सूट कर रहे हैं। अपन कहां भाव देते लड़कों को, देते हैं क्या? अपने बराबर है ही नहीं कोई, है ना, तो ये इन पर ज्यादा सूट कर रहा है। अब लर्न हो जाएगी टेबल। याद हो भी गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CPP करे, कल वाली CPP है आप लोगों के पास? आज की मिल गई, गुड।
एक तो कल वाली में भी एक दो क्वेश्चन है ना बाकी अपने ऑक्साइड वाले. पहले सीपीपी 2 निकाल लो, एक फाइल या फोल्डर बना लो. अब आपको सारी हर क्लास में सीपीपी मिलती है तो मेक अ फोल्डर, इधर उधर हो जाएंगी वरना. तो सीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर सिक्स अब आ जाएगा. एम्फोटेरिक बता दिया मैंने आपको, देखो उसमें फोर्थ टिन एंड जिंक. क्यों लड़ रहे हो आप, क्यों लड़ रहे हो? फिर लड़ रहे हो तो अच्छे से लड़ो, एक दूसरे के बाल बाल भी ऐसे इधर उधर खींचो, तब तो मजा भी आएगा हम लोग का, हमारा एंटरटेनमेंट भी होगा. कल आप नहीं आए थे, फिर मिली होगी ना, और तुमने कुछ बोला भी नहीं, मिली भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं. चलो अभी शेयर, अच्छा अभी शेयर कर लो, एक कॉपी में दे दूंगी, शेयर कर लो. क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर इज 4 टिन एंड जिंक. उसके बाद आप देखो सेवेंथ, एन एलिमेंट एक्स अकर्स इन शॉर्ट पीरियड हैविंग कॉन्फिगरेशन NS2NP1, द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड. बोरॉन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, NS2NP1 यानी 13th ग्रुप की बात हो रही है ना, तो एल्यूमिनियम वाले बोरॉन से ज्यादा बेटर है, एल्यूमिनियम नोन है आपका. तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है, Al2O3. तो X2O3 और Al2O3 कैसा है, एम्फोटेरिक है ना. थर्ड आ जाएगा. और भी कोई क्वेश्चन है क्या पीछे है, टेंथ है ना, मतलब टेंथ वाला रॉन्ग ऑर्डर पूछ रहा है आपसे. रॉन्ग ऑर्डर पूछ रहा है. सारे देखो, चारों देखो एक बार. सेकेंड किसका ऑर्डर है, IE1. हाँ IE1 में बोरॉन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में, याद है वो क्रॉस है ना. तो सेकेंड वाले में ऑर्डर क्या होना चाहिए, लिथियम आ रहा है, फिर बोरॉन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, बाकी सारे सही है. बेटा ये नॉन मेटल की बात हो रही है ना, वो जो मैंने लिखवाया है वो मेटल के लिए लिखवाया है. नॉन मेटल के लिए क्या है, जब आप नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा. नॉन मेटल तो एसिड बनाते हैं ना, है ना, वो मेटल के लिए है. तो मेटल का बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और नॉन मेटल का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ऐसे कर लो. चलो आज वाली करो सीपीपी 3. आज की तो मिली है आपको, आज की भी नहीं मिली, एक्स्ट्रा है क्या किसी के पास, CPP 3. हाँ ले आओ, एक कॉपी ले आओ. ऐसा कैसे कल भी नहीं तुमको मिली, आज भी नहीं मिली.
फर्स्ट हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल ऑक्साइड मैंने आपको बता रखी, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, अभी शेयर कर लो, शेयर कर लो अभी, फिर आप ले लेना बाद में. ठीक है, सेकंड देखो, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा. बताऊं? देखो, सोडियम मैग्नीशियम ऐसे पीरियड में चल रहा है ना, तो पीरियड में जब जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, ऐसे पीरियड में चल रहा है ना बेटा. आगे बेशक मत देखो, सोडियम मैग्नीशियम सही, सोडियम सही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सबसे ज्यादा सोडियम का होगा. ठीक है, थर्ड देखो, पीरियड में आ रहे हैं ये सारे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन है ना, और पीरियड में चल रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. बेसिक नेचर, आपने कर लिया फोर्थ वाला, करो है बच्चे. जिंक मेटल होता है पर उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जनाबे है ना, एम्फोटेरिक होता है. तो ये आपसे पूछ रहा है बेसिक नेचर फर्स्ट. बिल्कुल, एनओ टू तो एसिडिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, फिर जिंक एम्फोटेरिक हो जाएगा और के टू वो बेसिक हो जाएगा. मेरी लड़कियों समझ में आ रहा है? थर्ड, थर्ड बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन एक पीरियड के एलिमेंट्स है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन एक पीरियड में आ रहे हैं ना, तो इसके इनके ऑक्साइड बने हुए हैं. और क्या पूछ रहा है? एसिडिक नेचर. तो जब हम अभी लिखवाया था ना, पीरियड में चलते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है ना, तो ऐसे आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. फिफ्थ, बहुत बढ़िया. जो जितना ज्यादा मेटालिक होगा उसका ऑक्साइड उतना बेसिक होगा. फिफ्थ वाला आया क्या? अब देखो, ये सारे क्वेश्चन ना पोजीशन पर बेस्ड हैं. मैं इसलिए बार बार तुम्हें डे वन से बोल रही हूं टेबल लर्न करो. एलिमेंट देखते ही उसकी पोजीशन कहाँ है टेबल में वो एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए. कहाँ अटक गए आप दोनों? कौन से क्वेश्चन तक पहुंचे? फिफ्थ हो गया? नहीं हुआ, बताऊं? फिफ्थ में देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. मैग्नीशियम है, इनके पोजीशन रिलेट करने की कोशिश किया करो. मैग्नीशियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम. कहाँ आता है स्ट्रॉन्शियम? इसके नीचे आता है ना, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम, ऐसे है ना. और फिर क्या है? पोटेशियम. तो पोटेशियम कहाँ आ रहा है? यहां पर. और निकल, निकल कहाँ आ रहा है? इस तरफ आएगा, काफी दूर जाकर. तो सबसे लेफ्ट में कौन है? इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, फिर ये दोनों एक ही ग्रुप में है, पर नीचे जाने पर मेटल के केस में बेसिक नेचर बढ़ता है, तो फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा. सबसे कम किसका होगा? NiO.
इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो NiO, फिर क्या आ जाएगा MgO, फिर क्या आ जाएगा SrO, फिर क्या आ जाएगा K2O। पोजीशन देखो, पोजीशन रिलेट करो। सिक्स्थ, हाँ, सिक्स्थ में डाउट है ना। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं शॉर्ट पीरियड के। शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, या तो सेकंड पीरियड होगा या थर्ड पीरियड होगा, है ना, मतलब सेकंड या थर्ड पीरियड की बात हो रही है। ऑक्साइड ऑफ ए इज आयोनिक, ऑक्साइड ऑफ ए इज आयोनिक, मतलब मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा होगा, ऑक्सीजन जल्दी गेन कर रहा होगा। बी जो है वो एम्फोटेरिक है और सी जो है वो जायंट मॉलिक्यूल है। तो ए बी सी का एटॉमिक नंबर कौन से ऑर्डर में है, तो या तो ये सेकेंड पीरियड के हैं या फिर ये थर्ड पीरियड के हैं। आयोनिक कौन बनाते हैं, जो बिल्कुल लेफ्ट में मेटल्स हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, और ऑक्सीजन तो गेन करेगा, है ना, तो इसका मतलब ए सबसे लेफ्ट में है, वो कोई भी हो ए सबसे लेफ्ट में है। एम्फोटेरिक जो होते हैं वो ज्यादातर मिड में आ रहे होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट ज्यादातर मिड में आ रहे होते हैं। तो बी इसके बाद आएगा और सी इसके बाद। वैसे मैं आपको बताई तो ये क्या है, सी जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होगा क्योंकि ये बहुत डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है। बी जो होगा वो Al2O3 होगा, एम्फोटेरिक, है ना, और ये क्या हो जाएगा इसके पहले, हाँ मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम तो नहीं होगा ज्यादा, उसमें आयनिक नेचर नहीं है, ये पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, इसी ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं तो सोडियम हो जाएगा इसी पीरियड की, ठीक है। तो ए बी सी, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब देखो इसमें चाहो तो एक पॉइंट लिख लेना तुम अपने रजिस्टर्स में, है ना, इसको मैं समझा देती हूँ, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड वाले को। आपके पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, एक तो है Na2O, एक है BaO, बेरियम कहाँ आ रहा है, यहां कहीं आएगा, आयरन उस तरफ आएगा, पर आयरन के दो दे रखे हैं, FeO भी दे रखा है और Fe2O3 भी दे रखा है, और नेचर कौन सा पूछा है, बेसिक। तो देखो पहली बात तो जब आप पीरियड में चलोगे ऐसे तो बेसिक नेचर कम हो रहा है, यानी सबसे कम इनका होना चाहिए, तो पहली चीज तो ये आ गई, या तो ये आंसर है या ये, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इनका बेसिक नेचर तो अच्छा खासा होगा, ये बहुत नीचे है ये बहुत लेफ्ट में है, तो या तो ये होगा आंसर या फिर ये। अब इसमें कैसे डिसाइड करते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आता है, -2 का चार्ज आता है ना, और कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है हमेशा, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए आयरन पर कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 का। ओवरऑल जीरो बनाने के लिए आयरन को कितना चार्ज देना पड़ेगा, +2। अब देखो इसमें हर एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आएगा, -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 6। इतना ही पॉजिटिव आयरन पर आना चाहिए जीरो करने के लिए, तो टोटल आयरन पर कितना आ गया, पर कितने आयरन है, हर एक पर कितना चल रहा है, +3। क्या ये बात समझ में आ रही है, हर एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आता है, -2, कितने ऑक्सीजन आटे में, 3 है ना, 2, इधर आ तू, इधर आ, ये तेरे को 2 दिख रहे हैं, 3 है ना, तो हर एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -2,
कितने ऑक्सीजन है? 3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -6। उतना ही पॉजिटिव भी तो होना चाहिए कंपाउंड को जीरो बनाने के लिए, तो टोटल पॉजिटिव कितना रिक्वायर्ड है? +6। डिस्ट्रीब्यूट कितने पर है? 2 आयरन एटम्स पर है ना, तो हर एक आयरन पर कितना हो गया? +3 का चार्ज हो गया ना, तो इसमें आयरन +2 के फॉर्म में है, इसमें आयरन +3 के फॉर्म में है। ठीक, अब ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आप सेम एलिमेंट का कंपैरिजन कर रहे हो, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना बेसिक नेचर कम होगा या एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जब आप सेम एलिमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना बेसिक नेचर कम होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो उस हिसाब से लीस्ट बेसिक कौन आएगा? लीस्ट मतलब सबसे कम, Fe2O3, जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना कम होगा। ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक होगा, बेसिक उतना कम होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट I-। ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है जब पीरियड में ऐसे जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर कम होता है, और जब ग्रुप में जाते हैं, रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर पीरियड में तो कम हो रहा है, ग्रुप में बढ़ रहा है, नीचे जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। क्या रिड्यूसिंग नेचर पीरियड में कम होगा? एप्लीकेशन करी थी ना अपन ने IE और EA, उसमें आया था ना ये। अभी इसमें अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पूछते ना तो फ्लोरीन हो जाता आंसर। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग में फ्लोरीन हो जाता। ठीक है, 9th वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक, वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैक्सिमम की वेरिएबल वैलेंसी, मैक्सिमम की, राइट। जिंक को छोड़ दो, जिंक की एक ही वैलेंसी होती है, कुछ 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 छोड़ना पड़ता है, वो आगे आ जाएगा आपके ब्लॉक स्टडी में। आ गया, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। ठीक है, बस टाइम है, मॉड्यूल डिस्कस कर ले। आपने किया ही नहीं किया मॉड्यूल? किया है? आपने मॉड्यूल की एक्सरसाइज करी है? नहीं करी है? करिए। कितनी एक्सरसाइज है? 10। आपने सारी कर ली? कहां तक करी है? फर्स्ट तो करी होगी, फर्स्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर करके ले आना, फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। इजी है, देख देख कर टिक ही तो करना है, देख देख कर मतलब आंसर की देख कर टिक नहीं करना, क्वेश्चन देख कर आंसर टिक करना है। एक्सरसाइज 1, सच सच बताओ करी है नहीं करी?
अगर आपने नहीं करी तो कोई फायदा नहीं फिर डिस्कस करने का, किस किसने करी है एक्सरसाइज वन, बस बाकी तुम निकम्मे सारे। कब करोगे? आज में सारी हो जाएगी 10 तक? कितना कितना फ्राइडे को आएगी ना वो अपनी क्लास, तो 6-7 तो कर लेना कम से कम, 5 तो कर ही लेना, 5 तो कर लोगे, 5 तो करके। हाँ अच्छी बात है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।